क्या नाम है आपका? जयमीन भट्ट। कहाँ से आप? गुजरात से। अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं। हाँ। पोलैंड में कितने उत्साहित हैं और कैसे वेलकम करने का आपका प्लान? बहुत उत्साहित है, आएंगे तो वेलकम करने जाएंगे भी। और कैसे देखते हैं प्रधानमंत्री मोदी के आगमन पे? आप भी यहाँ पे हैं विश्वासी, और 40 साल के बाद आ रहा है कोई प्रधानमंत्री हमारे, आ रहे हैं मोदी जी खुद आ रहे हैं जो गुजरात से, कैसे कैसे क्या कहना चाहेंगे? कहना यही चाहेंगे कि मोदी आएंगे तो सारे लोग हम मिलने जाएंगे। मैं तो गुजरात से हूँ वैसे भी। मोदी मोदी गुजराती में आपसे कुछ कि क्या संदेश देना चाहेंगे मोदी जी को, गुजराती में क्या कहना चाहेंगे? क्या कहें? मोदी भारत का गर्व वधारता रहो, हम तुम्हारे साथ है। अगर गुजराती में आपको कुछ संदेश देना हो मोदी जी के लिए क्या होगा? यहाँ गण मोदी नु वेलकम करवा माटे हमें बधा हाजिर छे, अरे बधा यहाँ पे मोदी मोदी थाई छे। मेरा नाम मनोज वरियानी है, मैं इंडिया से जोधपुर से हूँ। हाँ, प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं 40 साल के बाद प्रधानमंत्री भारत का पोलैंड में आ रहा है जी, तो क्या कहना चाहेंगे, कैसे स्वागत की तैयारी आप? सर हम तो उनका इंतजार कर रहे हैं बहुत साल, 40 साल निकल गए हैं, मेरे को यहाँ पे 25 साल हो गए हैं, पर मेरे ऐसे मन में हो रहा था कभी आएंगे, आखिर आ गए हैं और हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। और मोदी जी ने हमारे देश को बहुत आगे बढ़ाया है और हमें उम्मीद है आगे भी 10-20 साल मोदी जी आए, और यहाँ पे हम सब इंडियन अच्छी तरह रहते हैं, सब कुछ बढ़िया है और मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राहुल जानी है। राहुल जी कहाँ से हैं और पोलैंड में कितने साल से? मैं जयपुर से हूँ, जयपुर राजस्थान से हूँ, मैं 18 साल से पोलैंड में हूँ। यहाँ पे आपका किस चीज का क्या काम करते हैं? टेक्सटाइल बिजनेस है। जी हाँ, प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं जी, कहना चाहेंगे और कैसे स्वागत की तैयारी रहेगी आपकी तरफ से? दिल से स्वागत करते हैं उनका, बहुत दिल से स्वागत करते हैं उनका। इस चीज का हम वो वेट कर रहे थे, जब हम देखते हैं मोदी जी कहीं और ट्रेवल करते हैं किसी और देश में, इसी चीज का इंतजार था कि कब पोलैंड आएंगे, और आज वो दिन आ चुका है। दिल से स्वागत करते हैं, जो इतना हो चुका था जिस तरह हमारे पड़ोसी मुल्कों में हमारे जैसे वॉर हुए थे, यूक्रेन में जैसे वॉर हुआ था उसके बाद इतना उन्होंने एवोकेट किए थे, इतने इंडियंस को जो फंसे हुए थे, हमारे कुछ जान पहचान वाले भी थे जिस ऑपरेशन गंगा के थ्रू उन्होंने एवोकेट किया था, तो मोदी जी हैं जिनकी वजह से यह मुमकिन, बहुत मुश्किल था, नहीं तो आज मोदी है तो मुमकिन है। सर मेरा नाम पवन कुमार है, मैं राजस्थान बाड़मेर से हूँ। 20 साल से मैं पोलैंड में हूँ। प्रधानमंत्री मोदी जी के आने पर हम बहुत ज्यादा उत्साहित है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के लिए बहुत अच्छे काम किए और हम चाहते हैं कि वो यहाँ आए और पोलैंड के इंडिया के रिलेशन और ज्यादा स्ट्रांग हो, और हमारा देश जिस हिसाब से इंडिया ने विकास किया है और जिस हिसाब से हिंदुस्तान का नाम पोलैंड में बहुत ऊंचा हो रहा है, हम चाहते हैं कि और भी ऊंचा हो, और वी आर वेरी रियली वेरी प्राउड ऑफ दैट, वी आर इंडियंस, और हमको बहुत खुशी की बात है कि प्रधानमंत्री मोदी जी यहाँ पे आ रहे हैं और ये हमारे लिए गौरवान्वित की बात है, और हम चाहेंगे कि वो आए और हम लोग बहुत ज्यादा उत्साहित है। ಕನ್ನಡಿಗರ ಮೆಚ್ಚಿನ ನಿಮ್ಮ ನ್ಯೂಸ್ 18 ಕನ್ನಡ ಈಗ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಲಭ್ಯ. ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ದೇಶ ವಿದೇಶದ 360 ಡಿಗ್ರಿ ಸುದ್ದಿ ವಿವರವನ್ನ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಬೆರಳುಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಪಡೆಯೋದಿಕ್ಕೆ ಈ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಕೋಡ್ ಅನ್ನ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ.